प्रधानमंत्री साहब, उनको धमकी दी मारे जाने की। सुप्रीम कोर्ट पर, इस संविधान पर हमें कोई भरोसा नहीं है। ये संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। इस संविधान पे विश्वास करने वाले सारे लोग मारे जाएंगे जो इस सिस्टम पर, इन नेताओं पर, इस सुप्रीम कोर्ट पर, इस पुलिस पर, इस फौज पर भरोसा कर रहे हैं। वो सारे लोग कुत्ते की मौत मरने वाले हैं भाई। नरसिंहानंद साहब ने तो क्लियर ही कर दिया कि हमारा मकसद क्या है हिंदू राष्ट्र बनाने का। उन्होंने मकसद भी बयान कर दिया, जो हम लोग इससे पहले से ही कह रहे हैं कि वो यही करने जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल साहब की ओपिनियन से अगर चला जाएगा तो ये बाकी सेना के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो मारने की धमकी दी है उसकी जो दफाएं दर्ज होनी चाहिए वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और देश के साथ बगावत की जो 121 धारा, ये सब देशद्रोह की धाराएं उनके ऊपर लगानी चाहिए, आतंकवाद की और देशद्रोह की। इतनी बड़ी खुशखबरी की बात नहीं है क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो सजा होती है वो बहुत ही कम होती है और बहुत ही कम फाइन होता है, 6 महीने की सजा मैक्सिमम और 2000 के करीब का फाइन होता है। आरएसएस और मनुवादी ताकतें जो ये भारत का संविधान हटा के मनुस्मृति लागू कराने की तरफ कदम बढ़ा रही हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ कदम बढ़ा रही हैं, उनको और बढ़ावा मिलेगा अगर बात यहीं रुक गई। कोई दो धर्मों में और दो धर्म के मानने वालों में नफरत फैलाने के लिए काम नहीं किया गया है, सिर्फ बड़ा ऑफेंस है देश के खिलाफ बगावत का कि देश के संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यानी कि मनुस्मृति का संविधान लागू कराएंगे, तो ये बड़ा ऑफेंस है। उसके लिए तो ना उत्तराखंड सरकार ने कुछ किया है ना दिल्ली में अभी तक किया है। दासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती पर अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा। आपको बता दूं कि ये मुकदमा कोर्ट की अवमानना का मुकदमा है जो कि सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल जो कि भारत के हैं, उन्होंने इसकी परमिशन दे दी है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती पर सेक्शन 15 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। तो ऐसे में जानना यह भी जरूरी है कि अब क्या यति नरसिंहानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और इसी को जानने के लिए हम पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब के पास। पराचा साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये सेक्शन 15 क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मुकदमा है उसमें कितनी मुश्किलें यति नरसिंहानंद की बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अब बहुत ज्यादा मुश्किलें यति की बढ़ सकती। मुश्किलें बढ़ने का एक तो इसमें प्रोविजन है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने इस बात को माना है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, प्राइमा फेशे मतलब प्रथम दृष्टया की है, तो ये एक खुशखबरी है एक तरह से, लेकिन ये एक शुरुआत के तौर पर ही लिया जाना चाहिए। इसे इसमें कोई इतनी बड़ी खुशखबरी की बात नहीं है क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो सजा होती है वो बहुत ही कम होती है और बहुत ही कम फाइन होता है, 6 महीने की सजा मैक्सिमम और 2000 के करीब का फाइन होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अगर सिर्फ यहीं पे बात खत्म हो जाएगी तो ऐसे सभी जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से आरएसएस और मनुवादी ताकतें जो ये भारत का संविधान हटा के मनुस्मृति लागू कराने की तरफ कदम बढ़ा रही हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ कदम बढ़ा रही हैं, उनको और बढ़ावा मिलेगा अगर बात यहीं रुक गई। लेकिन जो खुशखबरी है इसमें कि अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा है कि जो उनकी स्टेटमेंट्स थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ थी और उनके बरखिलाफ जाके ये थी, अब इसी स्टेटमेंट के साथ साथ स्टेटमेंट जो ये यति नरसिंहानंद साहब हैं उन्होंने भारत की सेना के खिलाफ भी दी थी इसी एक ही सांस में, और भारत की चुनी हुई पार्लियामेंट और जो भी भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं उनको सबको मारने की धमकी दी थी, सब मारे जाएंगे। ठीक है, तो अब भारत की संविधान में जो आस्था रखते हैं या जो भारत के संविधान की आस्था से भी ज्यादा शपथ लेके अपने पदों पे बैठ कर अपने पदों की ड्यूटी निभा रहे हैं वो तो राष्ट्रपति हैं, सबसे पहले देश के राष्ट्रपति भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, तो ये जो यति नरसिंहानंद साहब है उनको धमकी दी कि वो भी मारे जाएंगे, यही मतलब हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री साहब, उनको धमकी दी मारे जाने की। उसके बाद सेना के तीनों जो अध्यक्ष हैं, चाहे वायु सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, उनके जो तीनों जो चीफ हैं वो भी संविधान की शपथ लेते हैं, सिर्फ आस्था ही नहीं रखते उसमें, आस्था बताते भी हैं और ये कसम खाते हैं कि आप इसके हिसाब से चलेंगे, तो उनको भी मारने की धमकी दी। और भारत की सरकार के खिलाफ एक तरह से खुली बगावत का ऐलान किया सेना का नाम लेकर। तो पर अटॉर्नी जनरल साहब ने यह मान लिया कि इसमें से एक सुप्रीम कोर्ट का भी नाम लिया गया था, तो उसके उसकी सिर्फ अवमानना का जो मुकदमा है वो दर्ज होना चाहिए। अब इसका मतलब यह हुआ कि अटॉर्नी जनरल साहब की ओपिनियन से
अगर चला जाएगा तो ये बाकी सेना के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो मारने की धमकी दी है उसकी जो दफाएं दर्ज होनी चाहिए वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और देश के साथ बगावत की जो 121 धारा, ये सब देशद्रोह की धाराएं उनके ऊपर लगानी चाहिए, आतंकवाद की और देशद्रोह की, और उसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं तो इनको 6 महीने की सजा तो एक तरह से बढ़ावा ही मिलने का रास्ता है, तो ये हमारा इसमें ऐसा मानना। लेकिन इससे पहले जिसमें ये अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गए हुए हैं, नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, इन दोनों पर ही 153A लगी हुई है, तो 153A जो लगाई गई है नरसिंहानंद सरस्वती पर, वो महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, अभद्र टिप्पणी करना, तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगी तो क्या लंबे समय के लिए जेल में अंदर रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी जो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया हो, पहले मैं छत्तीसगढ़ सरकार का ही बता दूं, जो कालीचरण साहब है वहां पे उनके खिलाफ जो दर्ज किया गया वो उनकी मदद करने के लिए किया गया और उनकी मदद हुई भी है। इतनी हल्की धाराओं में देश के खिलाफ, देश का संविधान खत्म करके, जिसको नरसिंहानंद साहब ने तो क्लियर ही कर दिया कि हमारा मकसद क्या है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उन्होंने मकसद भी बयान कर दिया जो हम लोग इससे पहले से ही कह रहे हैं कि वो यही करने जा रहे हैं, तो उन्होंने क्लियरली बोल ही दिया। अब हिंदू राष्ट्र का मतलब तो वो यही है ना जो वो बोल रहे हैं, तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाया, यानी कालीचरण साहब के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कि कांग्रेस की सरकार, तो ये उनको मदद करने के काम है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी आरएसएस के जो अनासिर कहें या जो एजेंट कहें वो बड़ी बड़े पदों पर बैठे हुए हैं कांग्रेस के अंदर खुद और बाकी सब पार्टियों में। खुद जो उत्तराखंड सरकार ने भी उनकी मदद करने के लिए 153 लगाया है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया देशद्रोह का मामला। ये कोई दो धर्मों में और दो धर्म के मानने वालों में नफरत फैलाने के लिए काम नहीं किया गया है सिर्फ, ये तो सबसे छोटा इसका जो एक जिसको कहते हैं ना कि एक इसका एक छोटा सा रिजल्ट है, नहीं रिजल्ट एक छोटा सा रिजल्ट, सबसे छोटा रिजल्ट है कि हिंदू और मुस्लिम्स में इनके हिसाब से एक वैमनस्य बढ़ेगा या आपस में दुश्मनी बढ़ेगी, ये सबसे छोटा नुकसान या सबसे छोटा ऑफेंस है। बड़ा ऑफेंस है देश के खिलाफ बगावत का, कि देश के संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यानी कि मनुस्मृति का संविधान लागू कराएंगे, तो ये बड़ा ऑफेंस है। उसके लिए तो ना उत्तराखंड सरकार ने कुछ किया है ना दिल्ली में अभी तक किया है। बहुत शुक्रिया INN चैनल से पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें बस एक अच्छी बात यह है और एक खुशखबरी ये है कि अटॉर्नी जनरल के संज्ञान में ये पूरा मामला आ चुका है और उन्होंने वीडियो के उस पार्ट को सुना भी, संज्ञान लिया भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीडियो के और भी हिस्से हैं जिनको सुनना बहुत ज़रूरी है, जिसमें देश की सेना, पुलिस और उसके अलावा तमाम वो लोग जो संविधान पर भरोसा रखते हैं उनके खिलाफ जो बात कही गई है वो पूरी तरह से देश तोड़ने की, देश के खिलाफ साजिश करने की, जिस पर सीधे तौर पर अगर कोई भी पुलिस, किसी भी इलाके की पुलिस चाहे, किसी भी राज्य की पुलिस चाहे, तो UAPA के तहत मुकदमा आसानी से दर्ज कर सकती है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।